आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, सिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। दुर्गा पूजा के बाद लोगों ने दीपावली और छठ की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को रानीगंज के विभिन्न तालाबों छठ घाट की साफ सफाई काम आरंभ किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक पूर्व शशि राय ने राजबाड़ी मोड़ के निकट पंडित पोखर और रानीगंज बरदाई तालाब पर जायजा करने पहुंचे। पूर्ण शशि राय ने बताया कि रानीगंज पोरो दो के अंदर 46 तालाबों में से 21 तालाबों में छठ पूजा किया जाता है और घाट में गंदगी का अंबार है, इसे साफ करवाने के दर्जनों मजदूरों को पसीना बहाना पड़ेगा। घास व जलकुंभी से तालाब भर गया है, इसकी साफ सफाई अभी शुरू नहीं की गई तो यहाँ छठ मनाने में छठ व्रतियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ रानीगंज के दर्जनों छठ व्रती छठ करने पहुँचते हैं। कहा, छठ पर्व की तैयारी के लिए तालाब की साफ सफाई जरूरी है और साथ साथ में बरदाई मंदिर में वहाँ के ছিচল্লিশটা পুকুরের মধ্যে 21টা পুকুরে ছোট মায়ের পুজো হয়। ইতিমধ্যে আমাদের যারা এই সাফাই বিভাগের যারা কর্মীরা রয়েছে তারা কাজ শুরু করে দিয়েছে। রানিগঞ্জ বড় দুইয়ের আধিকারিকরা ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করছে, আমরাও ঘুরছি। আজকে পণ্ডিত পুকুর এবং রানিগঞ্জে যে ঘাটটাই পুকুরটাই সবচেয়ে বেশি মানুষের জমাৎ হয় বড়দই পুকুর, বড়দর মায়ের যে পুকুর সেই পুকুর আমরা দেখলাম। আমাদের কাজ চলছে, আবার এসে দেখবো, আধিকারিকরা রয়েছে তারা দেখছেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজকে এক সপ্তাহ আগের থেকে কালী পূজা এবং ছট পূজাকে উপলক্ষ করে আমাদের রানীগঞ্জ বড় সাফাই কর্মীরা পরিশ্রম করে প্রত্যেকটা পুকুর সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে, যাতে যারা পুজো করতে আসবেন মা বোনেরা তাদের যেন কোনো অসুবিধা না। भाजपा युवा नेता शंकर यादव की ओर से नियामतपुर प्रिया कॉलोनी भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में शंकर यादव ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को सिंगंजा कसते हुए कहा कि ममता सरकार सिर्फ मुस्लिमों को चाय में आदि की तरह इस्तेमाल कर रही है। उल्टी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा छवि है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो कुल्टी विधानसभा के जो युवा नेता है आज के डेट में, कुल्टी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा काम चल रहा है। जिस तरह से अभी बच्चा लोग को जो स्कूल के तहत 400 रुपया 500 रुपये दिया जा रहा है, वो हर बच्चा को दिया जा रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है प्रधानमंत्री के तहत कि मुस्लिम भाई को नहीं मिलेगा, हिंदू भाई को मिलेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो सबको मिल रहा है, हमारे भाई बहन सबको मिल रहा है। और ये जो स्वच्छ भारत अभियान जो चला है, जो बाथरूम और शौचालय का बात चल रहा है, प्रधानमंत्री के तहत कुल्टी विधानसभा में बहुत ही बनाया जा रहा है, लेकिन टीएमसी की सरकार जो है वो बहुत ही ऐसा जगह है जो बनने नहीं दिया जा रहा है। माइनॉरिटी लोग को तो बहुत ही ऐसा समझा दिया कि वो फालतू का है, जगह मत देना, जगह खराब हो जाएगा, है ना, वो पैसा दीदी अपने फंड में रख ले रही है। लॉकडाउन में बहुत ऐसा चना है, चावल है, आटा है, पैसा है, है ना, हम लोग घर घर तक पहुंचाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब हम लोग को खुल करके काम करने का समय दिए, वो ये नहीं बताए कि कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग जितना समझ में आया कुल्टी विधानसभा में अपना खुल करके और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और भाग लिए। आने वाली विधानसभा चुनाव में कुल्टी में क्या रोल रहेगा भारतीय जनता पार्टी की? आने वाला कुल्टी विधानसभा इलेक्शन में टीएमसी का तो कहीं नाम ही निशान नहीं मिलेगा, झंडा लगाने वाला आदमी नहीं मिलेगा, झंडा लगाने वाला टीएमसी का आदमी नहीं मिलेगा। बहुत ही जल्द माइनॉरिटी मोर्चा का जो मुस्लिम भाइयों हैं उन लोगों को पता चल जाएगा कि दीदी जो मुस्लिम भाइयों को आज 9 साल से जो हाथ में नारियल दे दिया है, हाथ में जो नारियल देकर के रखा है, न उसको तोड़ने का परमिशन दिया है और न खाने का परमिशन दिया, सिर्फ हाथ में नारियल दिखा करके माइनॉरिटी मोर्चा को जो या मुस्लिम भाइयों को जो यूज कर रही है दीदी, वो दीदी का सिर्फ अंदर का सोच है। दीदी बहुत ही जल्द कुल्टी विधानसभा से हाथ धोने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के दौड़ के रेस में कौन है कुल्टी में? भारतीय जनता पार्टी का कुल्टी विधानसभा में पार्टी नहीं करेगा, वो तो पार्टी के जो सीनियर नेता हमारे वो सब बताएंगे, हम लोग छोटे कार्यकर्ता है ना,
हम लोग कुल्टी विधानसभा में कार्य करते हैं, युवा के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। कौन खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा वो हमारे सीनियर में कितना हद तक और काम होना चाहिए था। कुल्टी विधानसभा में बहुत सारा काम है जो दीदी नहीं होने दे रही है। हम लोग तो काम करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तो काम करना ही दे रही है। वो देखिए ना, अभी फिलहाल में तो आप लोगों के पास खबर होगा ही कि हम लोग जो ये जो जल योजना है, जल का बारे में वो पैसा प्रधानमंत्री जब दिए हैं तो दीदी क्या कर रही है। दीदी 3000 रुपया, 1100 रुपया, 2500 रुपया, 900 रुपया, 325 रुपया जो कलेक्शन करने का काम कर रही है, ये सब क्या है, ये क्यों कर रही है दीदी? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का रास्ता है। ये बीजेपी को प्रधानमंत्री बीजेपी को बदनामी करने का रास्ता दीदी काम कर रही है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि हम लोग पैसा लेकर काम करें। दीदी तो अभी पैसा लेकर तो साइड हो जाएगी 2020 में। अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आता है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बनता है, सरकार बनती है, तो आप ऐसा गारंटी लेते हैं जो आप जैसे इल्जाम लगा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पे और सीपीएम पे इल्जाम लगाए थे कि मुस्लिमों को यूज कर रहे हैं, कि आपके पार्टी यूज नहीं करेगी? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम क्या, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि मुस्लिम, अगर हमारे लोग को विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री का वो बुक खोल करके आप देख लीजिए ना जी, देख लीजिए। शहनवाज हुसैन से पूछ लेते आप एक बार, शहनवाज हुसैन तो हमारे बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता है, वो भी तो मुस्लिम भाई है। हमारे कलकत्ता में स्टेट में हमारी दीदी है, वो नाजिया इलाही दी है, उनसे पूछ लीजिए, मुस्लिम भाई को एक से एक पूछ लीजिए। मुस्लिम भाई को डरा करके रखा जा रहा है, मुस्लिम भाई लोग को डरा करके रखा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री बीजेपी का सरकार आने से मुस्लिम भाई पे दिक्कत होगा। नहीं विश्वास है, अगर मेरे दोस्त है, ये हमारे बहुत करीबी दोस्त है जी शानपुरे से, जो कुल्टी विधानसभा से बिलोंग करते हैं ना, ये तो बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं कुल्टी विधानसभा में। जीशान जी, जीशान जी से पूछ रही, ये भी एक मुस्लिम भाई, ये भी माइनोरिटी में, इनसे पूछ लीजिए जीशान भाई से कि इनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के, पूछ लीजिए एक बार। नहीं विश्वास है, पूछ लीजिए आप पूछिए। धन्यवाद सर, आपका नाम? हमारा नाम शंकर यादव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है।